नाजरीन ये देखें कि गंदम का रंग तब्दील हो चुका है और लेली इसके ऊपर है। तो लेली का जोर तोड़ने के लिए जो है ना एक मैं तदबीर बताता हूँ। देखें लेली जो है ना इसका बीज तो मई में जाके पकता है, जबकि गंदम अप्रैल के आखिर में या मई के दौरान काटी जाती है। तो कुछ बीज इसका गंदम के साथ मिलकर अगले खेतों में भी चला जाता है और गंदम की कटाई और गहाई के मामलात में ना ये प्रॉब्लम करती है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी ये काम किया जाता है कि गंदम की कटाई से हफ्ता 10 दिन पहले जो ना एरियल स्प्रे की जाती है कारफेंट्राजोन की, वो लेली को बिल्कुल खुश कर देती है। तो उसके बाद आसानी से गंदम को कंबाइंड हार्वेस्टर की मदद से काटा जाता है। हमारे खेतों में भी आपको पता है कि ये देखें जिस तरह पैचेज की सूरत में लेली ना होती है, इन पैचेज के ऊपर अगर हम जो है ना इस स्टेज लेटर स्टेज के ऊपर अब हम स्प्रे करके इसको तलफ कर सकते हैं गंदम को नुकसान पहुँचाए बगैर। इसका फ़ायदा ये होगा कि इस ये बीज नहीं बनाएगी, क्योंकि ये बीज से भी बढ़ती है और अंडरग्राउंड पार्ट्स जो हैं इसके वो भी दोनों तरीक़ों से नुकसान करती है। अब बीज बिल्कुल 100% इसके बीज कच्चे हैं, तो हमने ये करना है कि कटाई से 10 दिन पहले अगर इस पर 10 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से यानी 100 लीटर पानी में 10 ग्राम कारफेंट्राजोन, कारफेंट्राजोन आपको पता है कि एम के नाम से एफएमसी की एक प्रोडक्ट है और भी कंपनियों के पास है। तो ये डोज एक्चुअली इसकी ज़्यादातर क्रॉप्स के लिए 20 ग्राम है, लेकिन लेटर स्टेज की वजह से गर्मी होने की वजह से ये 10 ग्राम के ऊपर भी लेली को मारती है, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। तो इस ये हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लेली मर चुकी है, ये मैंने और जगह पर ट्रायल किया था और गंदम को कोई नुकसान पहुँचाए बगैर इसको जो है ना लेली को इस हर्बिसाइड ने तलफ कर दिया है। तो साथ ही आप ये देख सकते हैं कि जहाँ स्प्रे नहीं की हुई वहाँ देखें कितनी लेली ने मच्छरी हुई है। तो इसको अब इसको लेटर स्टेज के ऊपर भी देखें कटाई से 4 दिन पहले तलफ करने का फ़ायदा ये होगा कि ये कटाई आसानी से हो जाए, गाही में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीज जो है ना साफ़ सुथरा बनेगा। अगर बीज बनाना है तो भी उसके अंदर इसके बीज शामिल नहीं होंगे।